वन प्लस नॉर्ड सी ई टू 5G जी हाँ गाइस, काफी बड़ा नाम है। तो आज हम जानेंगे इस फोन की पूरी सच्चाई के बारे में। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं नेशनल टेक चैनल को। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो यार। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैं पहले आपको बता दूं कि ये एक मिड रेंज फोन रहने वाला है। तो हम पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिजाइन के बारे में। तो यहाँ पे बैक साइड में आपको एकदम से ग्लोसी शाइन मिलता है। बैक साइड में कैमरे के साइड में जो डिजाइन लगा है वो एकदम नेक्स्ट लेवल है। मतलब यहाँ पे इसका एक प्लस पॉइंट है डिजाइन के मामले में। बात करें फोन के नीचे के बारे में, तो जी हाँ गाइस, यहाँ पे आपको मिलता है 3.5 mm हेडफोन जैक एंड उसके अलावा लगा है USB-C पोर्ट एंड स्पीकर। और जी हाँ गाइस, राइट साइड में लगा है वॉल्यूम बटन एंड सबसे ऊपर लगा है हमारा सिम डालने का ऑप्शन, सिम ट्रे में आपको एक्स्ट्रा SD कार्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है। मतलब यहाँ पे हम इसको SD कार्ड को लगा कर यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरेज वगैरह बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ 176 ग्राम का ये फोन है। हम बात करें डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे डिस्प्ले आपको मिलने वाले 6.5 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले आपको गाइस इस फोन में मिलने वाली है। अगेन 90Hz पर चलने वाला है एंड इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी मिलने वाली है गाइस। आगे हम बात करें इसके प्रोसेसर के बारे में, तो Dimensity 900 5G के साथ ये चलने वाला है, जो कि एक मिड रेंज फोन में काफी बढ़िया प्रोसेसर है गाइस। दो वेरिएंट के साथ में आता है OnePlus Nord CE 2 5G स्मार्टफोन। यहाँ पे नाम काफी बड़ा है तो आधा वीडियो इसी में चला जाएगा गाइस। एनीवेज, ये पहला एक वेरिएंट है 6GB रैम एंड यहाँ पे 128GB स्टोरेज के साथ में आता है। एंड दूसरा वेरिएंट है 8GB 128GB के साथ में। बैटरी आपको मिलती है गाइस 4500 mAh की, अगेन 65 फास्ट चार्जिंग के साथ में। एंड सुपर हुक का यहाँ पे चार्जिंग का ऑप्शन रखा गया है, रेड केबल वगैरह मिलने वाले हैं गाइस आपको इस फोन में। एंड आगे थोड़ी सी मल्टीमीडिया के बारे में बातचीत कर लेते, तो यहाँ पे डिस्प्ले आपको काफी ठीक ठाक मिलने वाली है, कलर वगैरह काफी ठीक ठाक चलने वाला है गाइस। स्पीकर यहाँ पे मोनो स्पीकर मिलने वाला है गाइस, तो यहाँ पे मोनो काफी लाउड स्पीकर है एंड ये भी ठीक ठाक ही है। अब यहाँ पे एवरेज मान सकते हैं मल्टीमीडिया को गाइस। अगर हम बात करें OS के वगैरह के बारे में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन OS 11 आता है, जो कि बेस है एंड्रॉइड 11 पर। बट यार गाइस, यहाँ पे एंड्रॉइड 12 का जमाना चल रहा है, OnePlus अभी भी एंड्रॉइड 11 ही निकाल कर घुसा रहा है इस फोन में, तो क्या है। एनीवेज, कुछ बुरा नहीं बोलना चाहिए फोन के बारे में, OnePlus Nord CE 2 5G के बारे में। अगर कनेक्टिविटी के बारे में, तो 5G का सपोर्ट मिल जाता है, बट यहाँ पे हम श्योर नहीं है कि इसमें 11 बैंड या 10 बैंड का भी मिल सकता है सपोर्ट। तो यहाँ पे 10 बैंड तो मिलना ही चाहिए गाइस मेरे ख्याल से। इसके अलावा वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.2, ड्यूल सिम 4G सपोर्ट एंड हाँ NFC का भी सपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है, जो कि काफी बढ़िया बात हो गई है। जी हाँ गाइस, अगर हम बात करें इसके सेंसर वगैरह की, तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैन सेंसर आपको मिलता है, जिससे हम अपने अंगूठे से अपने मोबाइल को अनलॉक वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पे फेस अनलॉक का ऑप्शन काफी फास्ट मिलता है, मतलब ऐसे आपको फोन घुमाए और आपका ऐसे फोन अनलॉक हो गया गाइस। तो आगे हम बात करते हैं इसके कैमरे के बारे में। जी हाँ गाइस, अगर हम कैमरे की बात करें, तो यहाँ पे कैमरा मॉड्यूल काफी बड़ा रखा गया है एंड काफी डिजाइन के साथ में रखा गया है, बट उतना दमदार नहीं है जितना ये दिखता है। एनीवेज, मेन कैमरा यहाँ 64 MP का मेन कैमरा मिलने वाला, 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा एंड 2 MP का माइक्रो कैमरा यहाँ पे मिलने वाला है गाइस। मेरा सेंसर यहाँ पे एवरेज है गाइस, मतलब इतना बढ़िया भी नहीं बोल सकते। वैसे आगे हमारे पास लगा है 16 MP का सेल्फी कैमरा, जो कि ये भी एकदम एवरेज ही है, मतलब यहाँ पे ठीक ठाक ही है, तो एक ठीक ठाक फोटो निकल कर आपको देगा। तो आगे हम बात करें इसके सेटिंग के बारे में, तो यहाँ पे 4K 30 FPS पर आपको मिल जाती है सेटिंग, मतलब यहाँ पर आपका सीमित है। वैसे हम बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में, तो यहाँ पे 24,000 तक चला जाएगा, मतलब 24,000 तक चला जाएगा ये फोन। प्राइस के हिसाब से तो फोन थोड़ा सा ठीक ठाक है, बट इतना सही भी नहीं बोल सकते हम। तो ये थी पूरी सच्चाई OnePlus Nord CE 2 5G के बारे में। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में मुझे बताओ कि आपको कैसा लगा ये फोन। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।